आरोग्य जागृति। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शेख अफसर, आरोग्य जागृति संपादक हूँ। आज हम कोरोना वायरस से जो जूझ रहे हैं, पूरा देश इससे परेशान है, इसकी खास वजह जो दिसंबर में कोरोना वायरस के बारे में डिटेक्ट हुआ है, सभी जनता को पता था कोरोना वायरस क्या चीज़ है, इसके बारे में डिटेल्स मालूम न होने के कारण, और शासन भी अपने तरीके से इस वायरस के ऊपर, वायरस के पेशेंट के ऊपर ट्रीटमेंट में जूझ रहा था, लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा है क्या ये किस तरह इस पे रोक थाम किया था। और जानकार के माध्यम से ये भी कहा जा रहा था कि टेस्टिंग पे ज़्यादा जोर दिया जाए, टेस्टिंग अगर वक्त पे की जाती तो आज ये पेशेंट के जो बढ़ रहे हैं ये बढ़ नहीं सकते थे। हम जो टेस्टिंग के ऊपर खास तौर पे ख्याल रखना चाहिए, शासन भी टेस्टिंग जो किट है इसके लिए कैंप लगाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हर गली में, हर मोहल्ले में इसका टेस्टिंग होना चाहिए कैंप के माध्यम से। और दूसरा एक मुद्दा जो बताया जा रहा है कि लोक प्रतिनिधि, जैसा भी लोक प्रतिनिधि को पता है कि कौन सा वोटर अपना कहाँ रहता है, उनका घर उनको पता है, उनके कैंडिडेट मालूम है कौन से लोग उनके घर में रहते हैं, ऐसे में अगर लोक प्रतिनिधि के माध्यम से हम घर घर जाके अगर उनके पास नया आदमी कौन आ रहा है उसकी टेस्ट करना ज़रूरी है, ऐसे इसके ऊपर ज़्यादा अगर फोकस किया तो ये इसके लिए रोकथाम के लिए काफ़ी मदद हो सकती है। सभी जानते हैं कि डॉक्टर अपने जान पर, अपना आरोग्य के ऊपर फोकस ना करते, अपने परिवार की परवाह ना करते हुए पेशेंट को एक अपना सर्विस दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी काफ़ी मदद कर रहा है, काफ़ी दिलो जान से उसको काम कर रहा है, जनता इस पर थोड़ा सा मदद नहीं कर रही है। साथ में जो काम करने वाले डॉक्टर्स हैं इनको प्रोटेक्शन किट नहीं मिल रही है, इसकी वजह से कुछ हॉस्पिटल में, जैसा भी नायर हॉस्पिटल में हो या वाड़ी हॉस्पिटल में, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को भी पॉजिटिव पाया गया है, कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, इसमें सब डॉक्टर में हड़कंप मच गई है। अब जो भी अपने दिल से काम कर रहा था, पूरा वक्त दे रहा था, ऐसे टाइम में वो भी अब थोड़ा हाथ पीछे खींच रहा है। डॉक्टर को ये वो दिया जाता है कि हम पहले पेशेंट की जान बचाएंगे, लेकिन उनका भी कुछ परिवार है, तो शासन ने सबसे पहला डॉक्टर हो, कर्मचारी हो, साफ सफाई कर्मचारी हो, इनके लिए सुरक्षा किट मुहैया करके देना बहुत ही ज़रूरी है। कोरोना वायरस को अगर हमको हराना है, इसे जीतना है, तो सभी लोक प्रतिनिधि, जो सोशल काम करने वाले पदाधिकारी या राजकीय पक्ष के लोग, इनसे हम राय मांगना चाहेंगे। अगर आपकी कोई भी राय हो या कोई सुझाव हो तो हमें इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। धन्यवाद। आरोग्य जागृति।